हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के समर्थन में रोडवेज कर्मियों की दो दिन की हड़ताल तीसरे दिन अनिश्चितकालीन धरने में बदल गई। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों और संगठनों की ओर से चक्का जाम हड़ताल के कारण परिवहन सेवा गड़बड़ा गई है। रोडवेज बस नहीं चलने के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को प्राइवेट बसों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। ऑटो रिक्शा और प्राइवेट टैक्सी वालों ने भी मनमाना किराया वसूला। वहीं यात्रियों ने बताया कि प्राइवेट टैक्सी सिरोही से उदयपुर के लिए 200 से 300 रुपए ले रही है। रोडवेज हड़ताल का असर आम जनता पर पड़ रहा है। निकलना था मुझे उदयपुर के लिए, लेकिन अब बसों की हड़ताल की वजह से काफी परेशानी हो रही है। और वैसे हम लोग प्राइवेट गाड़ियों में सफर काफी करते हैं, लेकिन आज देखो स्थिति बन गई है कि हमें इन गाड़ियों में सफर करना पड़ रहा है। हम प्रीफर रोडवेज या बस ही करते हैं ज़्यादातर, लेकिन अभी ये हड़ताल की वजह से इतनी परेशानी हो रही है कि इन गाड़ियों में इस पर करना पड़ रहा है, ऑटो में या इसमें जाना पड़ रहा है, जबकि ऐसा हम लोग प्रीफर करते नहीं है। तो मेरा नाम विपुल शर्मा है। आपसे किराया कितना ले रहे हैं? आपसे किराया कितना है? 150 रुपये मांग रहे हैं। 150 रुपये अब मनमानी है, देखो जो चाहते हैं वो मांगेंगे। अब तो अभी स्थिति ये है तो क्या करें, लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज तो मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जैसे खूब सारे लोग हैं जो अभी इस स्थिति से गुजर रहे हैं। तो आप सिरोही से मुझे पूछ रहे हैं? मैं उदयपुर से हूँ, यहाँ से वहाँ जाना पड़ रहा है, तो क्या करें अभी। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।